ओके बेटे, सो हमने जाना कि यहाँ पर ग्राफ ऑफ लॉगरिथम में दो केस आपका आएगा. सो व्हाट दोस टू केसेस, ध्यान दीजिए, द टू केसेस आर बेसिकली वन केस जो है आपका, दोनों केस किस पे लगेगा, बेस पे. केसेज आर ऑन द बेस, तो बेस आपका ग्रेटर देन जीरो होता है बट नॉट इक्वल टू वन होता है. तो जब मैं बेस के लिए नंबर लाइन का, तो जीरो और वन नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो होता है, नॉट इक्वल टू वन होता है. तो एक तो ए आपका यहां से यहां लाइक करेगा, सो दिस इज योर केस वन, ए यहां लाइक करेगा, और दूसरा केस टू. तो ये आपका बेस के लिए केस हो गया. तो केस क्या हो गया, ए लाइन बिटवीन जीरो टू वन, और केस टू हो गया आपका ए लाइन बिटवीन वन टू इंफिनिटी. इज दैट पॉइंट क्लियर, ए लाइन बिटवीन वन टू इंफिनिटी. समझ गया ये, बोलो. यस सर. हाँ, तो अभी दोनों केसेस में ग्राफ पहले देख लो, उसके बाद मैं समझाऊंगा क्यों आया ये ग्राफ. तो केस वन में मैं बात कर रहा हूं कि ए लाइन बिटवीन जीरो टू वन, इसका ग्राफ ऐसा होता है. एक्स और वाई पहले बना लेने दीजिए. कहाँ गया भाई मार्कर. चलो आपको पता है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x इज ऑलवेज, जिसका लॉग लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x कभी निगेटिव नहीं जाएगा, है ना. x कभी निगेटिव में नहीं जाएगा, y पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है. तो y जो है दैट इज टू द बेस a. हम इस केस के लिए देख रहे हैं अभी क्या ग्राफ बनेगा. तो इस केस के लिए ग्राफ ऐसा बनता है. हाँ बोलो. y एक्सिस या पावर ही होती है, y एक्सिस में हमेशा पावर आ जाता है. y एक्सिस में, y एक्सिस में पावर ही तो रहेगा, जो पावर आएगा वही तो होगा, पावर जो हो सकता है ना. बिल्कुल. तो ग्राफ ऐसा बनता है बेटा. लाइक दिस, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा ग्राफ है, ठीक है. अच्छा, वाई, वाई मतलब, वाई मतलब लॉग एक्स. लॉग एक्स की वैल्यू जीरो कब होती है, लॉग एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी बताओ, किसका लॉग होता है, पावर वन. लॉग किसके लॉग जीरो होता है बेटा, क्या बोल रहे हो, सेम पावर होगा, सेम पावर मतलब है, बोला हूं कि log of x जीरो कब होगा, x की क्या वैल्यू होगी, वन वन वन. सेम पावर का क्या मतलब है, सेम का कंपेयर तो नहीं कर रहे, दो पावर हो गया. बोलो किसके पावर को सेम कर रहे हो, किसके सेम कर रहे हो, किसी पावर बेटा, सेम या डिफरेंट तो दो को कंपेयर करेंगे, है ना. बोलो. हाँ सर. है ना, सेम या डिफरेंट तब होता है जब दो, यहाँ पे दो चीज तो ही नहीं, एक ही पावर है, पावर तो वाई है बस, तो किससे कंपेयर करेंगे, है ना. तो किसी लॉग ऑफ एक्स, मैंने क्या बताया था, पावर वन आएगा, एक्स का पावर वन आएगा, एक्स का पावर थोड़ा ही होगा, बेस का पावर होता है, एक्स का पावर थोड़ी आता है, बेस का पावर होता है, एक्स का वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू वन आएगा, इसका पावर लेते हो, पहले ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना, ए टू दी पावर वाई इक्वल टू एक्स, ए टू दी पावर वाई इक्वल टू एक्स, ये हुआ ना बेटा. बेटा अगर हम लिखते हैं वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, तो इसका क्या मतलब होता है, ए पावर वाई इक्वल टू एक्स, यही ना मतलब होता है. यस सर. अरे भाई कहीं भी अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब हुआ ए टू दी पावर वाई इक्वल टू एक्स, और कोई मतलब हुआ नहीं सर, यही ना मतलब हुआ. तो वाई को जब जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वन, एक्स वन आएगा ना,
एक्स वन आएगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या आएगी, एक्स वन आएगा, समझा? तो फिर क्या क्या बता रहे हैं आप लोग, पावर सेम हो जाएगा, तो कभी कोई कुछ बोलता है, कभी बोलता है बेस एक्स हो जाएगा, बेस कैसे हो जाएगा, एक्स एक्स थोड़ी बेस है, बेस तो ये है ना, थोड़ा ध्यान रखो क्या बोल रहे हो, ओके? तो बेटा जब भी है इसको डेफिनेशन तो याद रखो कि इसका ये होता है, ये तो पता होना चाहिए, है ना? अच्छे से रटो आप लोग, याद नहीं करते हो डेफिनेशन। अब जैसे एडिशन, एडिशन एडिशन होता है, इसको अगर कोई बोलेगा सर हमें तो लगा मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि साइन ये ऐड का होता है या मल्टीप्लाई का होता है, तो ये तो याद करना पड़ेगा ना आपको, इसका कोई रूल थोड़ी है ये एडिशन का साइन है। वैसे ये लॉग है, डिफाइन किए लॉग, लॉग क्या एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, आप नया मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखे हैं तो इस मैथमेटिकल का मीनिंग तो याद रखोगे, है ना? इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैंने कहीं भी लिखा है कि b इक्वल टू लॉग ऑफ c टू द बेस a, तो इसका क्या मतलब हुआ जल्दी से बताइए। a पावर b इक्वल टू c, a पावर b इक्वल टू c, बस सीधा सा बात। इसमें क्या सोचना, इसमें सोचने वाला टाइम नहीं लगाना है ना, ये तो सोच रहे हैं इसका मतलब याद नहीं है, है ना? ये याद होना चाहिए कि इसका मतलब है कि बेस b, बेस a है तो बेस का पावर b होगा तो क्या आएगा, c आएगा, तो a टू द पावर b इक्वल टू c हुआ। तो ये फटाफट करना है बेटा, है ना? यहाँ पर जब आपको दिखेगा तो यहां से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू a टू द पावर y। तो अगर मैं x एक्सिस पे देखूंगा तो x एक्सिस के लिए y की वैल्यू ये बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y फॉर x एक्सिस? कम ऑन, इतना टाइम नहीं लगता, जीरो भाई। x एक्सिस के लिए मतलब x एक्सिस का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू जीरो, भूल गया? स्ट्रेट लाइन आया है ना बेटा, रिस्पॉन्स दो, कम ऑन, टेल मी। यस सर, यस सर, यस सर। x इक्वल, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू जीरो, तो x एक्सिस के किसी भी पॉइंट के लिए क्या होगा, y तो होगा, यानी कि यहाँ पे y जीरो है, तो y जीरो रखने पे x क्या आ रहा है, वन आ रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 1, 0, इज दिस पॉइंट क्लियर, 1, 0। तो बेस जब लेस देन 1 होता है, बेस जब लेस देन 1 होता है तो ग्राफ ये आता है, ओके? जल्दी से ड्रॉ कर लो, समझाऊंगा बाद में, पॉइंट प्लॉट करके बाद में बताएंगे, है ना? वो आप खुद भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं, जल्दी से करिए इसको, बस 5 मिनट और पढ़ना है। प्लॉट कर लो बेटा अच्छे से, ये भी लिख ही लो, ये भी लिख लो आप लोग, वाई की वैल्यू देखिए, वाई की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जा सकता है, लेकिन एक्स कहाँ होगा, जीरो नहीं होगा, है ना? यहाँ क्या हो गया, डोमेन मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी, डोमेन बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी, जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि देखो जीरो कब होगा, जब ये ग्राफ इन्फिनिटी पे चला जाएगा, इन्फिनिटी तो डिफाइन होता है, तो इन्फिनिटी को कभी नहीं लेते हैं, तो जीरो को इंक्लूड नहीं करते। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज मतलब एक्स की वैल्यू, ये भी फंक्शन है ना, इसको क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो रेंज हो जाएगा आपका, देखो वाई की वैल्यू कहाँ होगी, नीचे से आ रहा है ना ग्राफ, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा नीचे, तो माइनस इन्फिनिटी से ऊपर कहा जाएगा ये, प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, माइनस, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसका रेंज, है ना? ओके, बना लिया, बना लिया बेटा? यस सर। चलो ठीक है, अब जरा देख लो, एक बार इसको समझ ही लेते हैं कि मैं x की वैल्यू को 1 से छोटा रखूंगा, है ना? x की वैल्यू को 1 से छोटा रखूंगा, है ना? अब बेस भी 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है, x की वैल्यू जो है 1 से छोटा रखेंगे, देखो ये 1 है तो 1 से छोटा, बेस इज आल्सो लेस देन 1, तो क्या होगा, है ना? y की वैल्यू क्या होगी, और x की वैल्यू 1 से बड़ा रखेंगे तो क्या होगा, है ना? वो चीज, तो जैसे आप ये देख लो, लॉग, एक एग्जांपल देख लो ना, लॉग ऑफ
द बेस 1/2, 1/4 टू द बेस 1/2। मान लो कि इसकी वैल्यू y, ये y है, x की जगह पर आपने बेस रख लो 1/2 log x। तो तुम एक काम करो, y को कुछ पॉजिटिव रख लो, y को क्या रख लो, पॉजिटिव रख लो, y को पॉजिटिव, चलो y को 2 रख लेते हैं, ऐसे करते हैं, बेस देख लो लेस देन 1 है ना, तो y को मैं 2 रख लू। एक एग्जांपल देख रहा हूँ कि y इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा, तो y को जैसे ही मैं 2 रखूंगा यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू x, यानी कि x क्या हो गया 1/4, देखो लेस देन 1 आ गया ना लेस देन 1 दिख रहा है, यस सर 0.25। हाँ, आप जैसे y को 3 रख दो, y को अगर आप 3 रख दोगे तो पावर 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/8, यानी कि अब 1/8 चला जाएगा, और तुम बड़ा करो तो y को 3 कर दो, y को 4 कर दो, तो और ये छोटा होते जाएगा, है ना, y को 50 कर दो, y को कर दो 50, तो y को 50 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 to the power 50, है ना, इक्वल टू x, बहुत छोटा हो जाएगा, 1/2 into 1/2 into 1/2, 50 छोड़ दो, मैं 8 ही कर देता हूँ, चलो 8 ही कर दो, तो x क्या हो जाएगा 1/2 to the power 8, है ना, यानी कि 1/2 56, यही ना हो जाएगा 16 into 16, yes, sir. इतना छोटा हो गया, लेकिन जीरो नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा, चाहे तुम जीरो कब होगा, जब आपका y इन्फिनिटी को टेंड करेगा, पर infinity is not defined, इसलिए जीरो को रेंज डोमेन में नहीं लेते, समझ रहे हैं, ओके तो छोटा होता जाएगा, चिपकता जाएगा y एक्सिस में, लेकिन इन्फिनिटी पे जाके चिपकेगा, तो ये ग्राफ हुआ। लेकिन अगर मैं y को, अगर x को बड़ा ले लू, जैसे x को 2 ले लू, x को 2 ले लू, या को निगेटिव ले लेते हैं, y को निगेटिव ले लेते हैं, y को ले लो माइनस, y को जैसे ही लोगे माइनस 2, देखो क्या होगा, माइनस 2 ले लो, ये हो गया 1/2, y निगेटिव होता है, log की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, x निगेटिव नहीं होता है, तो पावर माइनस 2 इक्वल टू x, तो ये क्या हो गया, ये कितना हो गया, पावर माइनस 2 है, यानी कि 2 to the power 2 इक्वल टू x, x इक्वल टू 4, क्लियर है ना, समझ गया, यस सर, x इक्वल टू 4 आ गया, तो देखो पॉजिटिव x बड़ा आ गया ना, यानी कि ग्राफ ऐसे भागेगा, दिख रहा है सबको, चलो तो यही पॉइंट रख के आप समझ सकते हैं ग्राफ को यहां पर, तो याद रखना है कि ऐसे ग्राफ होता है 1, 0 कट करता है। उसके बाद केस 2 के लिए मेरा बेटा ग्राफ देखो, केस 2 में क्या हो जाएगा, a greater than 1 के लिए ग्राफ अलग होता है, बेस ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ग्राफ अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्राफ देखना, और ये आप खुद सोच लीजिएगा क्यों होता है, वैल्यू रख के प्लॉट कर लोगे ना, यस सर, तो y इक्वल टू log x टू द बेस a लीजिए, ये रखा है हमने, देखिएगा बेटा इसका ग्राफ ऐसा होता है, फिर से यहां पे 1 पे ही इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा, टच जाके सीधे इन्फिनिटी पे करता है, ऐसे जाएगा, ऐसे भागता रहेगा, समझ गया बेटा, ये चीज आप वैल्यू रख के देख लेना आएगा, ये पॉइंट क्या होगा 1, 0 होगा, है ना, इस बार बेस इज ग्रेटर देन 1, जैसे बेस 2 ले लो, किसी बेस ले लेना 2 के लिए चेक कर लेना, समझा, हाँ यस सर, समझा बेटा, हाँ। अब जैसे और भी चीज है, बेस को अगर मैं पहले यहां तक बनाओ, फिर 2 मिनट और बात करते हैं, पहले यहां तक बनाओ, बेस जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना, ग्राफ और इधर ऐसे झुकता जाएगा, है ना, वो चीज जानेंगे,
5 मिनट और देखते हैं, बस लास्ट 5 मिनट इसको कर लीजिए, या पॉइंट रख के देख सकते हैं। देख लो, log of x to the base 2 equal to y, y to log of x to the base 2। अब जैसे y को तुम रख दो 0, y को 0 रखोगे तो x 1 आ जाएगा, है ना, 2 to the power 0 equal to x, तो 1 आ जाएगा। y को रख लो 1, देखो अब 1 रखो, जब y को 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 to the power y equal to x हो गया ना ये, इसका मतलब क्या हुआ, 2 to the power y equal to x। y को 1 रखोगे तो x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, y को 2 रखोगे तो x 4 आ जाएगा, बढ़ता जाएगा, देख रहे हो, बढ़ता जाएगा यहाँ, वहां घट। अब अगर तुम y को रखोगे 1/2 -1/2, निगेटिव रख दो, -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पावर है तो नीचे चला जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। देख लो, 1 से छोटा हो गया ना x, अगर मैं y को रख दू -2 रख दू तो नीचे क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ये चीज है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं ऐसा ग्राफ बनेगा, इस बार ऐसा ग्राफ बनेगा, वैल्यू रख के भी आप देख सकते हैं। हाँ बोलो सर, केस 1 में अगर जैसे वहां पे -2 है ना, अगर -3 -4 तो और झुकते जाता केस 1। केस 1 में क्या बेटा, जैसे उसका वैल्यू -2 आया तो और झुकना है, वाई का वैल्यू -2 आया, किसका वैल्यू -2 आया, किसका वैल्यू नहीं, वो तो बेटा वो तो बेस पे झुकना पड़ेगा ना, हमने जैसे माइनस लिया तो -2 का मतलब वाई -2 हुआ ना, y माइनस 3 लोगे तो कौन सा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, तो ग्राफ तो यही है ना, ग्राफ 3 अलग हो जाएगा। हाँ वही जानना था, ठीक है सर। हाँ तो यहाँ आएगा -3 पे, ये पॉइंट आ गया, यहाँ आ जाएगा -4 पे और नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, x बढ़ता जाएगा, y घटता जाएगा, झुकते जाएगा। ओके सर, यानी कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देखो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा y की वैल्यू घटती जाएगी, दिख रहा है? हाँ सर समझ गए, जैसे यानी कि डिक्रीजिंग हो गया और ये इंक्रीज हो रहा है, जैसे से x बढ़ेगा y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, दिख रहा है, यहाँ इंक्रीजिंग है, यानी कि बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो इंक्रीजिंग होता है, और यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग है, देखो नीचे डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू घटती जाएगी, यहाँ जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, दिख रहा है ना? yes, sir, दोनों, हाँ दोनों log x का ही ग्राफ है, दोनों बना लिया इसको, बस एक चीज मुझे समझाना है, बस पॉइंट इस बार समझाना है, फिर अगले क्लास में देखेंगे आफ्टर द टेस्ट। इस वीक का लास्ट पॉइंट बेटा, आई थिंक वी हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग इन दिस वीक, आप लोग को रिवीजन भी बहुत है ना, तो मैं अब छोड़ देता हूं, बस एक पॉइंट समझा दें, इसी केस में समझो, सपोज कर लो बेस इज ग्रेटर देन 1, बेस इज 1 के लिए मैं दिखा रहा हूं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब मैं दो ग्राफ बना रहा हूं, देखना, दोनों लॉग का ग्राफ है, 1.1,0 से तो सारे ग्राफ लॉग के पास करेंगे, ये बात समझ में आई क्या, चाहे आपका बेस कुछ 1,0 को तो पास करेगा ना? यस सर, है ना, बेस चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो बड़ा हो छोटा हो 1,0 को जरूर पास करेगा ग्राफ, क्योंकि देख लो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इक्वल टू वाई, तो ए टू दी पावर वाई इक्वल टू एक्स होता है, तो अगर वाई को जीरो, एक्स एक्सिस मतलब वाई को जैसे ही जीरो रखोगे, वाई को जीरो रखोगे तो एक्स क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, चाहे बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है और नॉट इक्वल टू 1, तो उस केस। अब तुम देखो, मैं पूछ रहा हूं कि इसका बेस a1 है और इसका बेस a2 है, तो a1 a2 में कौन बड़ा होगा, जल्दी बताओ, इस वाले ग्राफ का बेस a1 है और इस वाले ग्राफ का, ऊपर वाले ग्राफ का बेस a2 है, तो सोचो कौन बड़ा होगा, a1 बड़ा होगा या a2 बड़ा होगा, सोच के जवाब दीजिए,
कमॉन, अरे ए वन बड़ा होगा, ए वन बड़ा होगा, सब कोई सोचो बेटा, है ना। सुजल ने कहा ए वन विल बी ग्रेटर देन ए टू। यहां से देखो आप क्या करोगे, ए टू डी पावर वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई की कोई भी वैल्यू ले लो, वाई की एक पार्टिकुलर वैल्यू ले लो, अब देखो वाई की वैल्यू ले लो, समझ गया, वाई एक फिक्स वैल्यू ले लो, वाई की फिक्स वैल्यू के लिए देखो, है ना, ए टू बेस के लिए वैल्यू एक्स की छोटी है, एक्स की वैल्यू छोटी है, और ए वन बेस में एक्स की वैल्यू है, और ए ग्रेटर देन वन है, ए ग्रेटर देन वन है, तो अगर बेस बड़ा होगा, ए ग्रेटर देन वन है, तो बेस अगर बड़ा होगा तो सेम पावर के लिए एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी ना, समझ रहे हो। जैसे मान लो टू टू डी पावर थ्री एंड थ्री टू डी पावर थ्री, तो टू टू डी पावर थ्री तो एट ही होगा, पर थ्री टू डी पावर थ्री 27 हो जाएगा। मान लो कि y हो गया 3, एक एग्जाम्पल लेके आप सोच सकते, y हो गया 3, y की वैल्यू क्या ले लो, 3 ले लो, और आप बेस ले लो, एक जगह बेस ले लो 2 और एक जगह बेस ले लो 3, तो 2 टू डी पावर 3 8 होता है, पर 3 टू डी पावर 3 27 होता है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो x की वैल्यू किसमें ज्यादा है, x की वैल्यू किसमें ज्यादा है, जिसका बेस बड़ा है, तो x की वैल्यू किसमें ज्यादा है, सेम वाई के लिए एक्स की वैल्यू किसमें ज्यादा है, इस ग्राफ में ज्यादा है, यानी कि ए वन ग्रेटर देन ए टू, समझा, समझा ये बात, यस सर। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में कर लेंगे, सोच लीजिए। हाँ ये जो ग्राफ में स्लोप बनाते हो, ये क्या बेस को डिनोट करता है, स्लोप, स्लोप तो टेंजेंट होता है बेटा, स्लोप कहां से, हाँ आ गया, स्लोप नहीं, ये जो भी बना रखा है कर्व, हाँ कर्व में ये जो ए टू जो लिखे हैं, इसको डिनोट करते हैं, किसकी कर्व, कर्व तो लॉग को डिनोट करता है, इसके ग्राफ को डिनोट करता है, कर्व थोड़ी बेस को डिनोट करता है, कर्व तो बेटा इसका ग्राफ है ना, वाई इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है कर्व, वो मैंने लिखा, मैंने, सुनो पहले ध्यान से सुनो बेटा, कर्व क्या है, ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ तो इसका ग्राफ है y इक्वल टू लॉग x, वो बेस को सिर्फ थोड़ी डिनोट कर रहा है, समझा, मैंने यहाँ साथ में लिख दिया कि ये ग्राफ बेस ए वन के लिए और ये ग्राफ बेस ए टू के लिए है, समझे, मैंने कहा कि ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ ए वन बेस के लिए है और ये ग्राफ ए टू बेस के लिए है, समझे, इज दैट क्लियर, ओके, यस यस सर, यस सर, वो चीज है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को दो टी शर्ट ला के दिया, मान लो एक टी शर्ट मैंने सुजल को दिया और एक टी शर्ट मैंने रेड टी शर्ट दिया, ठीक है, सुजल को ब्लैक टी शर्ट दिया, चलो ब्लैक टी शर्ट दिया, और मैंने अर्पित को दिया, बाकी बच्चों को भी दूंगा, अभी दो को देने दो, अर्पित को दिया मैंने ब्लू टी शर्ट, है ना, तो ब्लू टी शर्ट पे मैंने अर्पित लिख दिया, अब ब्लैक टी शर्ट पे मैंने सुजल लिख दिया, तो बताओ ब्लैक टी शर्ट सुजल है क्या, ब्लैक टी शर्ट सुजल है और ब्लू टी शर्ट अर्पित है, नो सर, नो सर, ब्लैक टी शर्ट सुजल के लिए है, समझे, ओके okay? उसी तरह से ए वन, ये ग्राफ ए वन नहीं है, ग्राफ बेस ए वन के लिए है, समझा, और ये ग्राफ जो है लॉग का ग्राफ, किसका है, लॉग का, किसके लिए है, बेस ए टू के लिए, बेस ए टू के लिए, हाँ बेस ए टू, जब बेस ए टू होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, किसके बीच में, वाई और एक्स में, जहां पे वाई और एक्स के बीच में क्या रिलेशन है, वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, समझ गया ना बेटा, बोलो, यस सर, हाँ सुजल क्लियर हो गया, यस सर, चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस पर डे पर सब्जेक्ट, अभी अगर 50 नहीं होते तो कम से कम 20-25 भी तो करो, है ना, और धीरे धीरे बढ़ाते जाओ ताकि वन वीक में आप 50 तक पहुंच जाओ, है ना, फिर उसको हम लोग डेली करेंगे, ठीक है बेटा, एक बार स्पीड पकड़ा जाएगा, आप देख लो कभी कभी क्वेश्चन टफ हो सकता है, अगर
टफ है तो 50 की जगह 25 ही होगा, तो उससे कोई पैनिक नहीं होना है। कभी क्वेश्चन इजी होगा तो 50 की जगह 70 भी हो जाता है ना, ऑन एन एवरेज मैं बोल रहा हूँ। 50 नहीं होगा 40 तो होगा। टारगेट आप ऑन एन एवरेज हर दिन का 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट बना के रखिए ना। अगर 50 नहीं हो रहा है तो अभी 30-40 क्वेश्चन का ही बना के रखो, लेकिन करो है ना। कुछ टारगेट जरूर सेट करो, टारगेट नहीं सेट करोगे तो 10 भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे है ना। ये जरूरी है कि टारगेट सेट करना है कि रोज कितने क्वेश्चन करने हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है बेटे, तो मैं यहीं पे आज लेक्चर को रोकता हूं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो टेस्ट। 3 बजे से वही रहेगा, सेम पैटर्न सेम टाइमिंग 3-6।